वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की लीनियर अलजेब्रा की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस वेक्टर्स के बारे में, उसके ऊपर फिर हमने प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। उसमें मैंने आपको शो करना सिखाया था या कहीं चेक करना सिखाया था कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कुछ दिए गए वैक्टर्स वैक्टर स्पेस के लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। तो आज हम इसी काम को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज फिर से कुछ वेक्टर्स होंगे दिए गए वेक्टर स्पेस के, और हमें चेक करना होगा कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। वी एक वेक्टर स्पेस है सभी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस का ओवर आर, फिर आर के ओवर। डिटरमाइन whether the matrices A, B, C belongs to V are linearly dependent or not. हमें चेक करना है कि ये तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं, ये linearly dependent है या नहीं है। चलिए अभी चेक करते हैं। क्या बताया था कि जिन भी वेक्टर्स को चेक करना है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, हम उनकी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर जीरो वेक्टर डाल देंगे। तो कुछ स्केलर्स यूज किए मैंने, एक्स वाई जेड। आप पी क्यू आर ले लो, अल्फा बीटा गामा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलोंग्स टू आर, सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज जीरो। जीरो कौन सा आएगा? वेक्टर स्पेस का जीरो आएगा। वेक्टर स्पेस का जीरो क्या होगा? वेक्टर स्पेस में अगर सारे मैट्रिसेस 2x2 के, तो ये भी एक जीरो मैट्रिक्स होगा 2x2 का। इंप्लाइज x टाइम 1 2 3 1 प्लस y टाइम 3 -1 2 2 प्लस z टाइम 1 -5 -4 0 इज द मैट्रिक्स 0 0 0 0। मल्टीप्लाई की इसलिए उसकी मल्टीप्लाई कर जाएगी और फैक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। x प्लस इस पोजीशन पर 3y प्लस z, यहां से आएगा 2x प्लस माइनस y माइनस 5z, यहां पर 3x प्लस 2y माइनस 4z, फिर x प्लस 2y प्लस 0z इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने पर x प्लस 3y प्लस z 0, 2x माइनस y माइनस 5z 0, 3x प्लस 2y माइनस 4z 0 एंड x प्लस 2y इज आल्सो 0। हियर आज के बाद क्या करते हैं? कॉफिशियंट मैट्रिक्स बनाते हैं। कॉफिशियंट मैट्रिक्स इज, वेल ये सिस्टम आ गया होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम, जिसका एक सॉल्यूशन तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, x भी जीरो, y भी जीरो, z भी जीरो। हमें चेक करना है कि x जीरो, y जीरो, z जीरो से अलग भी सॉल्यूशन है या नहीं है, तो होना ही होना है। अगर x जीरो, y जीरो, z जीरो से अलग भी सॉल्यूशन है तो नॉन जीरो वैल्यूज मिल पाएंगी स्केलर्स की, जिनके लिए इन मैट्रिसेस का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन जाता है। ऐसा होने पर ये बन जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ऐसा नहीं हो पाया, मतलब x y z की यूनिक वैल्यू आती है, x भी जीरो, y भी जीरो, z भी जीरो, तो इन मैट्रिसेस का लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो बनेगा जब सारे स्केलर्स जीरो हैं। ऐसा है तो ये मैट्रिसेस हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं भाई। क्या बना? 1 3 1 2 -1 -5 3 2 -4 1 2 0। ये प्रिंसिपल डायगोनल है। अब हम कन्वर्ट करते हैं इसे एकलन फॉर्म में। इसकी हेल्प से नीचे के एलिमेंट जीरो बनाते हैं। आर टू चेंज किया, आर टू माइनस टू आर वन से
आर थ्री चेंज किया आर थ्री माइनस थ्री आर वन से, आर फोर चेंज किया आर फोर माइनस आर वन से, तो क्या था हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये बन जाता है वन थ्री वन टू माइनस टू जीरो, इससे सर ट्वाइस घटाया माइनस वन माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस फाइव माइनस टू माइनस सेवन थ्री माइनस थ्री जीरो, इससे इसका थ्राइस सब्ट्रैक्ट किया टू माइनस नाइन माइनस सेवन, इससे सर थ्राइस सब्ट्रैक्ट किया माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन वन माइनस वन जीरो टू माइनस थ्री माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस वन, ये आ गया। अब हम इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाएंगे, तो आर थ्री को चेंज किया आर थ्री माइनस आर टू से, चाहे तो आपसे बनाए या ना बनाए आपकी मर्जी है, सिर्फ रैंक की तो चेक करनी है। आर फोर को चेंज किया आर फोर माइनस वन बाई सेवन आर टू से वन थ्री वन जीरो माइनस सेवन माइनस सेवन, दिस माइनस दिस किया जीरो माइनस जीरो जीरो माइनस सेवन प्लस सेवन जीरो माइनस सेवन प्लस सेवन जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो, इससे इसका वन बाई सेवन सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका वन बाई सेवन क्या पड़ेगा माइनस वन, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस वन हो जाएगा माइनस वन प्लस वन जीरो माइनस वन प्लस वन जीरो, तो रैंक क्या आई कॉफी मैट्रिक्स का नाम रख दीजिए आप एम, तो रैंक ऑफ एम क्या आ गई नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दो जो कि लेस है नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन कितने थे हमारे पास तीन एक्स वाई जेड, रैंक कितनी आई टू, तो दैट मींस इस इक्वेशन सिस्टम के हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं तो x इक्वल जीरो y इक्वल जीरो z इक्वल जीरो, जिसे मैं जीरो सॉल्यूशन कहता हूं उससे अलग भी सॉल्यूशन होंगे, तो हमें सीरीज की नॉन जीरो वैल्यूज मिल सकती है जिन्हें लेकर इन मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन जाएगा, ऐसा है तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, हेंस x y z हैज या इक्वेशन सिस्टम has non-zero solution, hence matrices are linearly dependent. That's it. आप से नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है, इसमें वेक्टर स्पेस है जिसमें सारे पॉलीनोमियल्स भरे हुए हैं जिनकी डिग्री थ्री या उससे कम है, उसके आपको तीन पॉलीनोमियल दिए हैं fx, gx, hx, और आपको चेक करना है कि ये पॉलीनोमियल्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो ये देखिए कैसे चेक करते हैं इसे। वही तीन पॉलीनोमियल्स हैं तो हम तीन अननोन ले लेते हैं a, b, c, फील्ड ऑफ रियल नंबर है, ऐसे अज्यूम कर लिए स्केलर्स हमने कि इन स्केलर्स को लेकर इन वेक्टर्स का जो यहां पर पॉलिनोमियल है लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बन जाता है। भाई वही कॉन्सेप्ट तो है, जब भी हमें चेक करना होगा कि दिए गए वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है तो हम इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर जीरो वेक्टर डाल देंगे, डाल दी। बस अब हमें यह चेक करना बाकी रह गया कि ए बी सी की सिर्फ जीरो ही वैल्यू आती है या जीरो से अलग वैल्यू भी आ सकती है, अगर ABC की जीरो से अलग वैल्यू आ सकती है तो वेक्टर्स बन जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट, सिर्फ जीरो ही आ सकती है तो वेक्टर्स बन जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये टाइम fx x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 प्लस b टाइम gx डाल दिया, x क्यूब इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस c डाल दिया, सॉरी hx डाल दिया 2x cube plus x square plus x plus 1 equals 0. Coefficients x cube common liya, option kya aata hai? a plus b plus 2c with x cube plus x square ke saath 2a plus
प्लस थ्री बी प्लस सी एक्स के साथ माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट थ्री ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वेट कर लिए कॉफिशिएंट्स सेम पावर्स के तो ए प्लस बी प्लस टू सी जीरो टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी इक्वल जीरो माइनस ए प्लस बी प्लस सी जीरो थ्री ए माइनस टू बी प्लस सी जीरो इसके बाद क्या करते हैं कॉफिशियंट मैट्रिक्स बना लेते हैं क्या बनेगा एम का नाम देखो वन वन टू टू थ्री वन माइनस वन 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 थ्री माइनस टू वन अब वो इसे एटम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसकी हेल्प से तीनों एलिमेंट जीरो बनाते हैं तो आर टू को चेंज किया आर टू माइनस टू आर वन से आर थ्री को चेंज किया आर थ्री प्लस आर वन से आर फोर को चेंज किया आर फोर माइनस थ्री आर वन से ऐसा करने पर मैट्रिक्स एम क्या बन जाता है वन वन टू टू माइनस टू जीरो थ्री माइनस टू वन वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस वन प्लस वन जीरो वन वन टू वन टू थ्री थ्री माइनस थ्री जीरो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव वन माइनस फोर इससे सर थ्राइस घटाया भैया माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव आया वन माइनस सिक्स माइनस फाइव चलिए अब इसकी हेल्प से दोनों को जीरो बनाएंगे तो आर थ्री को चेंज किया आर थ्री माइनस टू आर टू से आर फोर को चेंज किया आर फोर माइनस आर फोर प्लस फाइव टाइम आर टू से तो एम इक्वल ही रहेगा भैया क्योंकि रो चेंज हो चुकी है इक्वलेंट आएगा कि एम की और इसकी रो इसकी रैंक सेम है ये किसके इक्वलेंट रहेगा वन वन टू जीरो वन माइनस थ्री आर थ्री प्लस टू आर थ्री माइनस टू आर टू किया जीरो माइनस जीरो जीरो टू माइनस टू जीरो थ्री प्लस सिक्स हो जाएगा इट्स टाइम फिर आर फोर प्लस फाइव आर टू किया जीरो प्लस जीरो जीरो माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट इसकी हेल्प से जीरो हो गए अब इसकी हेल्प से जीरो बना लेंगे आर फोर चेंज किया हमने आर फोर प्लस एट बाई नाइन आर थ्री वन वन टू जीरो वन माइनस थ्री जीरो जीरो नाइन जीरो प्लस जीरो 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 माइनस एट प्लस एट हो जाएगा जीरो रैंक ऑफ एम क्या आ गई नंबर ऑफ अननोन सॉरी रैंक ऑफ एम आई है नॉन जीरो रॉज की संख्या कितनी है तीन नंबर ऑफ अननोन भी कितने थे तो मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर ही है तो इक्वेशन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड इक्वेशन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कौन सा कि ए भी जीरो वो तो है ही सॉल्यूशन हमारे पास बी भी जीरो सी भी जीरो वो तो होता ही है होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन तो मात्र एक ही सॉल्यूशन है अब ए भी जीरो बी भी जीरो सी भी जीरो यूनिक है तो इन पॉलीनोमियल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो फंक्शन बनता है जीरो पॉलीनोमियल बनता है जब सारे स्केलर जीरो होते हैं अदरवाइज नहीं बनता है ऐसा है तो एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स are linearly independent. आप इसे भी नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अभी वेक्टर स्पेस है हमारे पास इसे सारे फंक्शन है आर इंटू आर
आर से आर तक जितने फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं वो वेक्टर स्पेस है। उसके तीन वेक्टर्स यानी कि तीन फंक्शन आपको दिए गए हैं एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, और आपको चेक करना है कि तीनों फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है हर बार की तरह। तो जिन वेक्टर्स को चेक करना है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर जीरो वेक्टर डाल दीजिए। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि तीन स्केलर्स है मेरे पास ए बी सी फील्ड ऑफ रियल नंबर के, सच दैट कि इन स्केलर्स को यूज करके एफ एक्स जी एक्स एच एक्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है वो जीरो है। एफ एक्स डाल दीजिए ए साइन एक्स, बी जी एक्स डाल दीजिए कॉस एक्स, एच एक्स डाल दीजिए एक्स। अब बस हम ये चेक करेंगे कि एबीसी की जीरो से अलग भी वैल्यू है या नहीं। अगर एबीसी की जीरो से अलग वैल्यू हुई तो वेक्टर्स डिपेंडेंट, सिर्फ जीरो वैल्यू ही नहीं तो इंडिपेंडेंट। तो इसे चेक कैसे करें, आप इसका एक्सपेंशन ओपन करें। साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, प्लस बी कॉस एक्स की सीरीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन, प्लस सी एक्स। ऑन कंपेयरिंग सेम पावर से कॉफिशियंट कंपेयर कर लिए बोथ साइड से, कांस्टेंट क्या है इधर बस b, उधर 0, x का कॉफिशियंट a प्लस c उधर 0, x स्क्वायर कॉफिशियंट माइनस b बाई 2 0, x क्यूब का कॉफिशियंट माइनस a अपॉन 6, फैक्टोरियल से 6 हो जाएगा ना बस आगे नहीं है 0 एंड सो ऑन, हमें आगे जरूरत ही नहीं है। यहां से क्या आ गया 0, देख लो एक बार पुट करो c 0 b 0 b 0। तो इन फंक्शंस की लीनियर कॉम्बिनेशन तो भी जीरो वेक्टर बनी जब सारे स्केलर जीरो हैं, ऐसा है तो फंक्शंस क्या हुए लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हेंस fx gx एंड hx आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए अब मुझे लगता है कि आप इसके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चन आराम से ट्राई कर पाएंगे। आप इसके सारे एग्जांपल क्वेश्चन ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं मैं उनका एक वीडियो बना के सॉल्यूशंस का पोस्ट कर दूंगा। चलिए आगे मिलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आएगा हमारा बेसिस एंड डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब आप कोई क्लास मिस मत करना, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।